हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आप लोगों का। अगला वीकली टेस्ट 6 जुलाई को होने वाला है और 6 जुलाई को आप लोगों का हिंदी और गणित का वीकली टेस्ट होगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और मैंने मैथ का, गणित का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बना रखा है 6 जुलाई के लिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा क्लास 7 का 6 जुलाई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, आप लोगों को जो है वो 10 MCQ और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 10 इंपॉर्टेंट MCQ और 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और टेस्ट से पहले और एक सेट में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आराम से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाहता हूँ कविता के कवि कौन है। चाहता हूँ कविता के कवि कौन है। पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण, दूसरा राम अवतार त्यागी, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा महादेवी वर्मा। तो चाहता हूँ कविता के कवि हैं रामावतार त्यागी। रामावतार त्यागी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, चाहता हूँ कविता कब लिखी गई है। चाहता हूँ कविता कब लिखी गई है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता के समय, दूसरा ऑप्शन है देश परतंत्र था उस समय, तीसरा आदिकाल में, चौथा वर्तमान काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जब देश परतंत्र था, जब देश दूसरों के अधीन था, यानी कि अंग्रेजों के अधीन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है। कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है। पहला ऑप्शन है परतंत्रता के कारण, दूसरा स्वतंत्रता के कारण, तीसरा अज्ञात, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, परतंत्रता के कारण, परतंत्रता के कारण, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला फोर नंबर, देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है। देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है। पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा ऑप्शन है घृणा, तीसरा ऑप्शन है रक्त का कण कण, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रक्त का कण कण। देश की धरती को कवि अपना रक्त का कण कण देना चाहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला पांच नंबर, पांच नंबर का क्वेश्चन है, मान और प्राण अर्पित किसे करने की बात कही गई है। मान और प्राण अर्पित किसे करने की बात कही गई है। पहला ऑप्शन है भगवान को, दूसरा कवि को, तीसरा जनता को, चौथा देश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, देश को। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन छठा नंबर, छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, गिल्लू पाठ के रचयिता कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कवि का नाम और लेखक का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गिल्लू पाठ के रचयिता कौन है, गिल्लू पाठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण, दूसरा देवेंद्र कुमार, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा वरुण कमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, महादेवी वर्मा। गिल्लू पाठ के रचयिता महादेवी वर्मा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सात नंबर की ओर, गिल्लू की मौत किस समय हुई। गिल्लू की मौत किस समय हुई। पहला ऑप्शन है भोर में, दूसरा रात्रि में, तीसरा शाम में, चौथा दोपहर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रात्रि में, गिल्लू की मौत रात्रि में हुई। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला आठ नंबर, गिल्लू कहाँ छिप जाता था। गिल्लू कहाँ छिप जाता था। पहला ऑप्शन है फूलों में, दूसरा पर्दे में, तीसरा सोनजुही लता में, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी, इनमें से सभी में गिल्लू छिप जाता था। कभी फूलों में छुपता, कभी पर्दम छुपता, कभी सुनजुही की लता में छुप जाता। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला नौ नंबर की ओर, किसका पंजा ठंडा हो गया था। किसका पंजा ठंडा हो गया था, लिखिका का, गिल्लू का, कुत्ते का, या हिरन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गिल्लू का पंजा ठंडा हो गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला लास्ट क्वेश्चन, काक काकभूसुंडी, काकभूसुंडी किस पक्षी को कहा गया है। पहला ऑप्शन है कौवा, दूसरा तोता, तीसरा मैना, चौथा कोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कौवे को काकभूसंडी कहा गया है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट 10 MCQ क्वेश्चन बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो इसका उत्तर देखिए, हमारे ऊपर मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। हम अपनी मातृभूमि
से भोजन, वस्त्र, आवास, जल आदि प्राप्त करते हैं, जो वास्तव में मातृभूमि द्वारा किए गए उपकार हैं। ये उपकार ही मातृभूमि के ऋण हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर, सेकेंड नंबर। कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है? तो इसका उत्तर देखिए, कवि ऐसा अनुभव करता है कि मातृभूमि उसके लिए उसके जीवन का आधार है, अतः जिसके द्वारा कवि ने अपना जीवन, धन, मान सम्मान आदि पाया है, उसके प्रति कुछ दायित्व भी है। उस दायित्व को पूरा करने के लिए कवि अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट करे। तो इसका उत्तर देखिए, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी के माध्यम से कवि का आशय यह है कि अपनी मातृभूमि के ऋण को चुकाने के लिए उसका संपूर्ण जीवन भी अत्यल्प है। उस ऋण को चुकाने के लिए जब अपना मस्तक थाल में सजाकर अपने देश को समर्पित किया जाए, तो देश अथवा मातृभूमि उसे सहर्ष स्वीकार कर ले। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, चौथा नंबर देखिए। सोनजुही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, सोनजुही को देखकर लेखिका को अनायास गिल्लू की याद आ जाती है, क्योंकि गिल्लू अक्सर जो सोनजुही की हरितिमा में छुप जाता था और लेखिका के निकट आने पर उन्हें चौंका दिया करता था, इसलिए लेखिका को ऐसा लगता है कि वह फिर सोनजुही की कली के बाहर ऊपर आकर चौंका देगा। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कवि के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें लिखे। तो इसका उत्तर देखिए, लेखिका ने कौवों को ऐसा विचित्र पक्षी कहा है जो एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित है, जिसका रूप घटकर पूर्वजों को भी पितर पक्ष में अवतीर्ण होना पड़ता है, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश कवों के कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, और टेस्ट से पहले और एक्सट्रा जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा उसे देखना मत भूलिएगा, आपका पूरा फुल आउट ऑफ 40 मार्क्स इजीली आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।